नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे. मी शेख याया. आज आपण मोमीनपुरा या ठिकाणी आलेले आहेत. स्वस्त धान्य दुकान क्रमांक 110 सय्यद मुस्ताफा यांनी लाभार्थीला थप्पडबुक्की मारहाण करून त्यांच्याच आईला शिवगाळ केली होती. ग्रामीण पोलीस स्थानकात त्याने अर्ज दिली होती, परंतु त्यानंतरही त्याला जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली काल. तर गुन्हा सुद्धा नोंद झालेला आहे, त्याच्याशी आपण विचारणार आहे. नांदेड शहरात अनेक राशन दुकानदार आहेत, राशन माफिया आहेत, ते लाभार्थीला शिवगाळ करतात, त्यांच्यावर खोटे गुन्हा दाखल करतात. परंतु हे पहिल्यांदा असं झालेलं आहे की राशन दुकानवाल्यावर कारवाई झाली, हे पाहण्याची गरज आहे. पोलिसांनी खरोखर हे कौतुक बरं काम केलेलं आहे, पोलिसांचा आभार आहे लोकांनी. आणि खरंच असेच राशन माफियावर कारवाई झालीच पाहिजे, तोपर्यंत हे सुधारणार नाही. आपल्यासोबत लाभार्थी आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार. क्या हुआ था पूरा प्रकरण और कैसे? ये जैसा 21 तारीख के दिन जैसा राशन इन्होंने नहीं दिए, तो इसलिए मैंने तहसील में जाके एक कंप्लेन भी दिया था. और बाद में फिर दुकान पर वापस जाने के बाद ऐसा कि राशन नहीं दिए उन्होंने, और ज़रा 22 तारीख के दिन मारम थोड़ी हुई और मेरा मोबाइल तोड़ दिया गया. इस वजह से मैं पुलिस कंप्लेंट करा. इसके बारे में मेरे को कोई कंप्लेंट मतलब ऐसा कुछ कार्रवाई वगैरह हुई करी नहीं. और मैं काम से वापस आ रहा था कल रात को, तो उस वजह से रास्ते में दो अज्ञात व्यक्ति मतलब ने गाड़ी का नंबर तो नहीं थी, न्यू गाड़ी थी, और उस वजह से उन्होंने रुका के बोले कि भाई तू जो जहाँ तक के न्यूज़ में दे रहा और जितना तू न्यूज़ में छा रहा कर रहा पेपरों में आ रहा ना बोले तो तेरे लिए अच्छा ना बोले, आगे बढ़ू मत, जहाँ है वहीं पर रुक जा, ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा. तो मैंने बोला कि भाई मेरे को मैं हक की लड़ाई लड़ रहा, मैं मुझे जो करना है मैं करूँगा, तुमको जो करना है करो. तो ठीक है बेटा बोले, तुम मानता नहीं बोले, तेरे लिए आगे ठीक नहीं रहेगा बोले, हम तेरे को समझाने के लिए आए थे बोले. ऐसा है. अभी इसके बाद अगर जो भी अगर मैं रास्ते में कभी भी जाता करता, मैं मिस्त्री काम करने वाला आदमी हूँ, कहीं भी जाता करता है खानदा में काम से आते हुए मेरी जान को धोखा है. अगर इसके बाद अगर कुछ अगर ऐसे कुछ हादसा होता है मेरे जान को, तो इसका जिम्मेदार सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा होंगे, दुकानदार, राशन दुकानदार. बस आपके घर में कितने लोग हैं और आपको क्या लगता है कौन कौन है? हमारे घर में कम से कम 6-7 लोग हैं. दो बेटे हैं, बेटी है, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है, बच्चे पोतरा पात्री सब है. हाँ, वाले सब ने इंतकाल हो गया. हाँ, बच्चा ही लाता ले जाता, बच्चे के हाथ में सब कारोबार है. कोपन का बच्चा 21 तारीख को गया था, फिर उसका अंगूठा ले लिए. 22 तारीख को गया, 22 तारीख के बाद में उसको लेके गए तो उन्होंने बोला मेरे को अनाज दो, मेरा अंगूठा लिए. दो महीने अनाज नहीं मिला बोले हमको, तो क्यों नहीं मिला अनाज हमको क्यों नहीं मिला? तो बोले 2 महीने अंगूठा लगाओ, 3रे महीने में अनाज मिलेगा, न तो नहीं मिलेगा. या क्या करते कर मारे बोले बच्चों को मारे, मोबाइल फोड़ दिए. फिर मैं जा गई पूछने को तो मुझे भी मारे, धक्का बुक्की करे, गालियाँ दिए, बुरे बुरे बेइज्जती करे वहाँ पे. तेको क्या करने का कर, तो पुलिस नगर पालिका वार्ड मेंबर आओ, SP पुलिस, जहाँ भी जाना है तू जा, कुछ नहीं होता, जाते हो क्या करना है उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसी धमकी दिए. फिर परसों में को ला के छोड़ा बच्चे ने, हमारी काम करती दवाखाने में, और वापस आ रहा था तो 2-3 बच्चे मिल के उसको धौंस दे दिए. धौंस देने के बाद में जान से मारने की धमकी दे रहे, बोले तू जहाँ तक कर रहा वहाँ तक ठीक है बोले, अब आगे बढ़ू मत, नहीं तो बढ़ेंगा तो तेको देख कैसा कर दूँ. मेरे बच्चे को जान से धोखा है, उनके बच्चों से, कोपन वालों के बच्चों से. जिस तरीके से परसों कोपन जो लाने गए थे आप, तो दिया क्या उसने, क्या बन होगा कोपन? नहीं दिया. फिर भी हमने कोपन दिए उसके बाद तो भी नहीं दिया. तुमको कहाँ करना कर, मेरा कुछ नहीं होता, कोई उखाड़ लेता नहीं. कितने भी मेंबरों के पास जा मेरा कुछ नहीं होता, पुलिस के पास जा कहाँ भी जा, कलेक्टर के पास भी जा मेरा कुछ नहीं होता, जा देखो बोल के ढकल दिए उन्होंने. फिर भी मैं बोली मिली, देखो मिली, फिर भी एक बार बोर्ड मिली, तहसीलदार ने हमको बोले कि जाके बोलो उनको कोपन दे मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो भी उन्होंने बेइज्जती करे, मेरी गालियाँ दिए वो करे, इस कारण मैं बुलाना पड़ा मीडिया वाले को. पुलिस कल जो है पुलिस स्टेशन में FIR हुआ उसके नाम से, तो आप कैसा लगता है पुलिस से, क्या उम्मीद है आपको? पुलिस से उम्मीद है कि हमको इंसाफ मिलेगा, हमको क्या हम सब भाई बहनों को इंसाफ मिलेगा, इंसाफ होना चाहिए. सही पूरे गरीब लोग सब बयान दिए वहाँ पर, उनसे डरते वो लोग, लेकिन मैं तो किसी से डरती नहीं, मैं जो है हक के लिए लड़ रही हूँ, मेरा इंसाफ. आप पुलिस देखना क्या करते, तहसीलदार कलेक्टर जो भी आप उनको अच्छा लगे हमारे लिए वो करेंगे. बेवा बेकसों का सबका अनाज खाते, गरीब का धमकी देते, कोपन बंद कर देंगे नहीं, तुमको मारेंगे तोड़ेंगे, उनके बाल बच्चे गरीब रहते हैं, उनको डर रहता है, इसलिए उनके बाल बच्चे के जान के वास्ते झूठ बोलते हैं वहाँ पे, जितना दिए उतना ला लेते हैं और पैसे ज्यादा देते हैं, राशन कम लाते. ये होते आपल्या सोबत लाभार्थी शेख शाहरुख अर्जदार, ज्यांनी ग्रामीण पोलीस स्थानकात सय्यद मुस्तफा 110 स्वस्त धान्य दुकान क्रमांकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलेला आहे. FIR झालेली आहेत. आणि त्यांची आईला सुद्धा कुणाचा सहारा नसून त्याला वडील नाही परंतु त्याला राशन माफिया अशा पद्धतीने माजलेले आहेत की देवा निराधार लोकांच्या सुद्धा धान्य देत नाही. याच्यावर पोलिसांनी तर कारवाई केली, परंतु
प्रशासन तहसीलदार ह्याच्यावर कारवाई करणार का हे पाहण्याची गरज आहे। माझा महाराष्ट्र नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, आमच्या इथे सर्व प्रकारचे टाइल्स, ग्रेनाइट, कडप्पा तसेच प्लंबिंग व सॅनिटरीचे सर्व सामान योग्य व वाजवी दरात मिळेल। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, मोहम्मद फंक्शन हॉल जवळ, नवीन हस्सापूर, वागी रोड, नांदेड। मॉडर्न टाइल्स अँड सॅनिटरी, संपर्क 98 22 24 22 83 29 59 77 73। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फॅन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी एलईडी, फॅन्सी मीटर, हँडलवेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडलवेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, एलईडी पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।